नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने पूर्ण क्षत्रिय भाइयों के विवाह परंपरा पर प्रकाश डालेंगे और ये जानेंगे कि क्या परंपराएं हमारे पूर्ण क्षत्रिय भाइयों के विवाह में अपनाई जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवाह की जो परंपरा है, तो ये किन किन लोगों में शादियां करते हैं, सबसे पहला सवाल ये। तो जहां तक पूर्ण क्षत्रिय वंश का सवाल है, वो अपने ही गोत्र में लगभग शादी करता है। कहीं कहीं बिहार राज्य में या फिर झारखंड राज्य में अपने गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में भी शादियां की जाती है। जैसे कोई संसवार है तो संसवार में ही शादी करेगा, जैसवार है तो जैसवार में ही शादी करेगा, अवधियापुर में है तो अवधियापुर में ही शादी करेगा। तो ये तो है कि वो किन किन गोत्रों में शादी करते हैं। अब चलते हैं कि परंपराओं पे। तो सबसे पहले भारतीय परंपरा लगभग हर जाति में, हर धर्म में लगभग लगभग सेम होती है। इसमें क्या परंपरा है, सबसे पहले वर की दिखाई होती है, मतलब कि कन्या के घर वाले आते हैं और वर पक्ष को देखते हैं कि लड़का कैसा है, लड़का ठीक ठाक है, क्या करता है, उसका घर कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, और ये एक बात और देखते हैं कि उनके यहाँ खेती किसानी कैसी हो रही है। और क्योंकि बेसिकली हमारे किसान भाई हैं, तो ये देखते हैं कि उसमें खेती किसानी कैसा कर रहा है, लड़का खेती में क्या क्या जानता है, और उनके यहाँ बैक बैलेंस मतलब पुराना जो अनाज कितना है इनके पास, इनके घर में इतना अनाज इस समय है कि नहीं है। जो पुराने बुजुर्ग लोग शादी देखने जाते थे तो वो जानते होंगे कि वो पता करते थे कि भाई इनके पास बैकअप है अनाज का, अगर अनाज उनके पास है पुराने साल का, पिछले साल का, तो वो जाते थे कि हाँ ये खाने पीने में आराम से अच्छे से है। उसके बाद पहले परीक्षा होती है जिसमें वर पक्ष के सारे लोग बुलाए जाते हैं, मौसा मौसी बुआ गांव वाले रिश्तेदार सभी इकट्ठा होते हैं। फिर कन्या पक्ष वाले उनको अपने समर्थ के हिसाब से कुछ धन आज देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है कि कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन मामा है, कौन चाचा है, ये सब जो है वही परिचय होता है। एक्चुअली ये जो परंपरा थी वो परिचय की परंपरा थी, लेकिन आजकल ये एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा रही है। उसके बाद अभी समय अनुसार लोग क्या करते हैं कि कन्या को भी देखने की परंपरा शुरू हो गई है। तो जहां जाते हैं वो उनका गोद भराई परंपरा होती है, उनको अंगूठी बदले जाते हैं, कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के साथ मिलकर वहां पर कन्या वर को अंगूठी पहनाती है और वर जो है कन्या को अंगूठी पहनाता है। ये एक नई परंपरा है जो अभी जोड़ी गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस परंपरा का कोई बहुत महत्व नहीं था, अभी बहुत कम लोगों ने इसको शुरू किया है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि पूर्वी क्षत्रिय जो है वो दहेज लोभी नहीं होते हैं लगभग, क्योंकि इनके तरफ से कन्या पक्ष के लिए इतने जेवर आ जाते हैं और इतना खर्चा वर पक्ष को होता है, यहाँ पर उल्टा व्यवस्था है। जबकि पूरे भारत में ये एकदम ढिंढोरा पीट दिया गया कि सभी लोग लगभग लगभग दहेज लोभी होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वर्मा पूर्वी क्षत्रिय में लड़के वाले का खर्चा ज्यादा रहता है, उसमें वो कन्या के लिए जेवर आदि लेकर जाते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं कन्या के लिए, मतलब लड़की के लिए बहुत सारा सामान लेकर यहाँ से खरीद कर जाते हैं। तो अभी परीक्षा के बाद क्या होता है कि फिर तिलकोत्सव की तैयारी की जाती है, तिलकोत्सव की डेट तय होती है, पंडित जी आते हैं। एक्चुअली पूर्व क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का एक बहुत पुराना संबंध रहा है, ये क्षत्रिय थे तो बहुत इज्जत देते हैं और सबसे करीबी रहे, सबसे बेहतर जानते हैं ब्राह्मणों को, तो इसलिए पूर्व क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मी समाज से अलग नहीं रहे, वो ब्राह्मी समाज के साथ जुड़कर रहे क्योंकि वो उनका इतिहास जानते हैं और उनके, क्योंकि ये न्यायप्रिय प्रजाति है। तो क्या होता है कि ब्राह्मण आते हैं, फिर उस दिन तिथि वगैरह विचारी जाती है कि कौन सी लग्न में शादी होगी, फिर लग्न फिक्स की जाती है, किसमें तिलकोत्सव होगा, कौन सी लग्न में विवाह होगा, मुहूर्त निकाले जाते हैं, सोही इत्यादि जाती है, उसका भी मुहूर्त निकालाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर सोही जाती है। सोही में क्या होता है, सोही में कन्या पक्ष के लिए, मतलब स्पेशली कन्या के लिए, कम से कम 10-12-15 अच्छी अच्छी साड़ियां, कपड़े, गहने, बैग इत्यादि लेकर वर पक्ष के लोग कन्या को गिफ्ट देने जाते हैं। और उसमें वर नहीं जाता है, उसके घर का कोई व्यक्ति, जैसे उसका देवर हो गया या जो नाई होते हैं हमारे, जिनको बेदिहार नाई कहता है, वो जाते हैं उस सामान को लेके सोही, मतलब कि वो शुभ ही का जो है वो तद्भव शब्द है सोही, तो शुभ चीजें लेकर वहां उनके पास जाते हैं। उसके बाद फिर कन्या वाले अपनी तैयारी के साथ वर पक्ष के लिए सब कुछ कपड़ा वपड़ा फल मिठाई इत्यादि खरीद कर कन्या वाले आते हैं वर पक्ष के यहाँ, और रात में फिर तिलकोत्सव मनाया जाता है जहाँ पर तिलक इत्यादि का पूजन होता है।
वैसे कल मैं बता दूं, कल मैं एक पूर्ण क्षत्रिय वंश के बारात में था, वहां पे बहुत मजा आया। क्योंकि उस दिन जब शादी होती है ना, तो वर पक्ष के जो पिताजी होते हैं एकदम महत्व बने होते हैं, बहुत अच्छा उनका पगड़ी उगड़ी बांधी जाती है, कुर्ता उर्ता पहनते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। कल मैं शंकर वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके बच्चे का विवाह था, तो उनके बारात में शामिल होने का मौका मिला। तो मैंने शंकर जी से, मतलब शंकर वर्मा जी से ये भी कहा कि आज एकदम महत्व बने हुए हैं। तो ये सब परंपराएं होती है। फिर क्या होता है, तिलकोत्सव के बाद सभी लोग चले जाते हैं कन्या वाले अपने घर, और फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिसमें फिर विवाह में क्या होता है कि जो हेंगा होता था पहले, जो मिट्टी को समतल करने के लिए खेतों में ले आते हैं, और फिर बहुत सारी ऐसी परंपराएं शुरू होती हैं जिसमें औरतें गाना गाते हुए तालाब तक जाती हैं, वहां मिट्टी की पूजा होती है, तालाब की पूजा होती है, लोग ग्राम देवता की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है। ये सारी परंपराएं हैं जो ये विवाह को लंबा खींचती है, 4 से 5 दिन का। इन सब परंपराओं को होने के बाद आखिरी दिन वो घड़ी आखिर आ ही जाती है जब वर कन्या को ब्याहने जाता है। और फिर क्या होता है कि वहां पे बारात सजती है, बकायदा कन्या पक्ष वाले बढ़िया पंडाल सजाते हैं, स्वागत की तैयारियां की जाती हैं, और इधर से वर पक्ष अपनी बारात लेकर बढ़िया से दूल्हा अपनी गाड़ी में बैठकर या फिर घोड़े इत्यादि रथ जो भी व्यवस्था उस समय होती है वो जाते हैं गाजे बाजे के साथ। फिर बारात पहुंचती है, वहां द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा में क्या होता है कि स्वागत होता है वर पक्ष वालों का, जो उनके समधी जी होते हैं वो, मतलब वर पक्ष के पिता और कन्या पक्ष के पिता, मामा फूफा चाचा ये सब एक तरफ से आते हैं और कन्या पक्ष वाले उनका स्वागत करते हैं। द्वार पूजा होती है, उसके पश्चात क्या है कि फिर जो है रात में विवाह परंपरा, जैसे कि सामान्य क्षत्रिय ब्राह्मण सब में होता है उसी तरह से विवाह अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। पंडित जी बकायदा उनको प्रण दिलाते हैं कि मैं विवाह के पश्चात ऐसा रहूंगा। वो सारी व्यवस्थाएं जैसे अन्य जातियों में होती है सेम वर्मा पूर्व क्षत्रिय में होती है। उसके बाद सुबह फिर कलेवा खिलाया जाता है दूल्हे को, कलेवा पे वो कुछ मांगता है कि मुझे जो है ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो दहेज जैसा कुछ होता नहीं है। जितना दहेज को दुष्प्रचारित किया गया हिंदू समाज की इस परंपरा को, वो दहेज जैसा कुछ होता नहीं था। एक्चुअली पहले जब लड़कियों का हिस्सा जमीन में नहीं लगता था तो कुछ ना कुछ पैसा कन्या पक्ष को दे दिया जाता था, उसको दहेज कहा गया। फिर उसका लोग गलत फायदा उठाने लगे, जबरदस्ती मांगना शुरू कर दिया, तब वो दहेज बन गया। लेकिन था उसमें क्या कि कन्या पक्ष का जो हिस्सा होता था लगभग लगभग उतने का सामान लेकर जाती थी। फिर कलेवा होता है, कलेवा के बाद फिर और भी परंपराएं हैं जिसमें सालियां आती हैं। वो बैठकी की एक परंपरा होती है जिसमें साली लोग आती हैं और मिठाई उठाई खिलाती हैं, और वर पक्ष को बहुत सारा, वर पक्ष क्या, वर को ही, दूल्हे को बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। और फिर विदाई की बेल आ जाती है। अगर लड़की की विदाई निश्चित है तो दूल्हा दुल्हन लेकर आता है, और अगर लड़की की विदाई नहीं निश्चित है, गौना है, तो फिर दूल्हा अपने घर वापस आ जाता है और वहां से वो दिन गिनना शुरू करता है कि मेरा गौना कब आएगा। तो ये थी कुछ पूर्व क्षत्रिय भाइयों की विवाह परंपरा पे जानकारियां। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।